हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गल्ला शल्ला। और आज की इस कुकिंग की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी के चीले, जिसमें हम डालेंगे बहुत सी हेल्दी वेजिटेबल। जो आइए इसकी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे ली है एक कटोरी सूजी, और जितनी सूजी लेंगे उसकी आधी हम दही लेंगे। तो हमने यहाँ पे आधी कटोरी दही लिया है। हमने लिए है कुछ बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और उतने ही प्याज बारीक कटे हुए। आइए देखते हैं हम चीले का घोल कैसे घोलते हैं। हमने चीले का घोल तैयार कर लिया है यहाँ पे, और अब हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे। और एक घंटे के बाद हमारा चीले का बैटर बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। हमने सबसे पहले इसमें प्याज डाली है। प्याज के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, और उतनी ही स्वाद अनुसार हम इसमें मिर्च डालेंगे, और इसे हम अच्छी तरह घोलेंगे। अब चीले बनाने के लिए हमने तवा गैस पे रख दिया है मीडियम आंच पे, और हमने इसमें आधा चम्मच रिफाइंड मिलाया है। अब हम इसमें जो चीले का बैटर है वो मिलाएंगे। अगर आपको बड़ा चीला बनाना है तो 3 चम्मच डाल लें, छोटा बनाना है तो 1-2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसको फैला लें अच्छी तरह, और इसके ऊपर भी आधा चम्मच हम तेल डालेंगे। इसको पतला कर लें अच्छी तरीके से, ताकि चीला मोटा ना हो, जल्दी बन सके। जब हमारा एक साइड सिक जाएगा तो हम इस तरीके से इसको पलटे की सहायता से दूसरी साइड भी अच्छी तरह सेकेंगे। अब ये हमारा गर्मा गर्म चीला बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी बहुत सारी रेसिपीज के लिए। थैंक यू।